चंडीगढ़ मेरा लकी चाम है, किया है आयुष्मान खुराना ने अपने जद्दी शहर के नवें सिंगल रातां कालियां की शूटिंग की है। तुहानू दस दिए कि अभिनेता आयुष्मान खुराना, जिसने हुणे हुणे अपना नवा सिंगल रातां कालियां रिलीज़ किया है, इंटरनेट पर सुरीले गीत की तारीफ की जा रही है। अभिनेता ने हाल ही दे विच सांझा किया है कि उसने अपने जद्दी शहर नू लकी चाम क्यों मनिया है। आयुष्मान खुराना ने मंगलवार को रोचक कोहली के नाल अपने नवे ट्रैक रातां कालियां बारे दसिया है। आओ सुनते हाँ आयुष्मान खुराना का की कहना है। बड़े थे कॉमेंट्स, लेकिन काफ़ी अच्छे कॉमेंट्स थे और एक क्रेडिबिलिटी है इस गाने की रातां कालियां की, जो कि बाकी गानों से बहुत अलग है और स्ट्रेट दिल से गाना है। सो आई एम प्राउड ऑफ दिस सॉन्ग। ये सोचकर हम कभी गाना नहीं बनाते कि ये गाना चलेगा। रोचक कोहली जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे ज़्यादातर सिंगल और गाने जो हैं वो रोचक के साथ रहे हैं, और जब रोचक और मैं एक साथ होते हैं तो ये कभी नहीं सोचते कि गाना चलना चाहिए। गाना अलग होना चाहिए और दिल से निकलना चाहिए। जो हमें गाना पसंद आता है हम बस वो उस पर जैम करते हैं और वो रिलीज़ हो जाता है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ जो बचपन के दोस्त होते हैं, आप उनसे खुलकर उनके साथ कुछ भी कह सकते हैं, उनको कुछ भी बोल सकते हैं, और एक मैजिक क्रिएट होता है जब भी आप साथ में होते हैं। तो ये बेसिकली हमने म्यूज़िक से ही हम अट्रैक्ट हुए थे। 8th स्टैंडर्ड में जब मैं सेंट जॉन स्कूल चंडीगढ़ में आया था तो मेरे दोस्त बहुत कम थे और वो इकलौता था पूरी क्लास में जो म्यूज़िक का उसको बहुत पैशन था। तो मुझे लगा ये मेरे टाइप का बंदा है, तो वो मेरा दोस्त बन गया उस टाइम पे। हम दोनों ही थे, हमने एक बैंड बनाया और हम स्कूल में परफॉर्म करते थे, कॉलेज में परफॉर्म करते थे, कॉलेज में भी हम साथ में गए। सो तब से दोस्ती थी हमारी। जितना पढ़ पाता हूँ मतलब ट्वीट्स कभी पढ़ लेता हूँ या फिर इंस्टा पोस्ट पर जो कॉमेंट्स है वो देख लेता हूँ, पर ये नहीं कि सारे के सारे कॉमेंट्स पढ़ने हैं। जब टाइम मिलता है थोड़ा देख लेता हूँ बस ऐसे ही। हाँ देखता हूँ पर सारे नहीं देख पाता। हाँ कुछ तो देख ही लेता हूँ। अगर हर कोई दिल टूटने का इंतज़ार करे तो कुछ लाइफ में कर ही ना पाए। दिल टूटना ज़रूरी नहीं है। आई थिंक पैशन होना चाहिए म्यूज़िक का और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है रॉकस्टार बनने के लिए। जर्नी बहुत खूबसूरत रही है और रोचक ने गाना कंपोज किया है, गुरप्रीत सैनी और गौतम शर्मा ने लिखा है। ये सब मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, तो हम दोस्तों ने ये गाना मिलकर खड़ा किया है जहाँ पर है अभी। एंड ऑफ कोर्स टी सीरीज साथ में है एंड देव गॉट द बिगेस्ट चैनल इन द वर्ल्ड। सो गाने की जर्नी ऐसी रही है कि ये गाना जब भी हम जाते थे, मैं एक गाता था, एक बार दो बार गाना गाया है वाला, मतलब दो टेक्स में गाया है, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग करते हैं, वो प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग होती है, दूसरी फिर अब रियल टेक करते हैं, और वो दो दिनों में हुआ था। एंड जो मेरा लिरिक्स दोस्त है गुरप्रीत, वो कुछ चेंजेस कर रहा था लिरिक्स में, रोचक भी उसको बोल रहा था, तो वो सेशन बड़े फ़नी होते हैं हमारे। अगर उसकी लाइव रिकॉर्डिंग हो जाए तो उसमें हम शायद वो दिखाई ना पाए। फिल्मों के बारे में तो फिलहाल ड्रीम गर्ल 2 रिलीज़ हो रही है, 25 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, और वो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की फ्रेंचाइज है और काफ़ी ज़्यादा फ़नी फिल्म है। मतलब पहली जैसे जिन्होंने पहली पसंद आई तो ये डेफिनेटली दूसरी बहुत पसंद आएगी उनको। एक अलग लेवल पर गए हैं इस बार, सिर्फ आवाज़ ही नहीं बदली बल्कि हुलिया भी बदला है इस पिक्चर के अंदर, तो वो एक यूनिक चीज़ है। देखिए रातां कालियां एक ब्रांड न्यू सिंगल जो है हमारा रिलीज़ हो चुका है, रोचक कोहली ने कंपोज किया है, गुरप्रीत सैनी और गौतम शर्मा ने लिखा है। ये गाना आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारा प्यार दे सकते हैं इस गाने को, और अभी प्यार मिला है। आई एम श्योर आप और शेयर करेंगे तो और प्यार मिलेगा। और नवीं खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करो PBX News, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।